इस वक्त रायपुर से एक और बड़ी खबर मिली है। शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह का बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र आगे बढ़ेगा, सत्र आगे बढ़ाने से पढ़ाई भी प्रभावित होगी तो सिलेबस में कटौती भी हो सकती है, ये कहा है शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह ने। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह का बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा सत्र आगे बढ़ाया जा सकता है और सत्र आगे बढ़ने से पढ़ाई भी प्रभावित होगी, सिलेबस में भी कटौती की जाएगी, ये कहा है शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह। तो प्रेम साय सिंह शिक्षा मंत्री का बयान, छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ेगा शिक्षा सत्र। सौरभ परियार हमारे सभी फोन लाइन पर जुड़े। सौरभ, क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने, क्या अंदेशा है? बिल्कुल, देखिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने यही बयान दिया है कि अभी 15 जून है एकेडमिक कैलेंडर छत्तीसगढ़ का, वो जो है आगे जाएगा। और जैसे जुलाई को लेकर बातचीत हो रही थी कि 1 जुलाई को स्कूल खोले जाने से संबंधित स्कूलों में तैयारियां की जा रही है, सैनिटाइज किया जाना है और तमाम जो रंग रोगन किया जाना है, लेकिन अभी संभव है कि 1 जुलाई के बाद भी जो है स्कूल ना खुले, क्योंकि 30 जून तक जो है लॉकडाउन है, सॉरी अनलॉक है। ऐसे में जो है, और मजदूर भी जो है प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ में आए हैं और 19,000 स्कूलों में इन लोगों को ठहराया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट rkla.in पर आ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से जाके पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। यहाँ पे आप सभी प्रकार के बोर्ड और सभी प्रकार की यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की पर्सनल बोर्ड या पर्सनल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट rkla.in के नीचे आपको सर्च बॉक्स दिखेगा, सर्च बॉक्स पर आके आप उस यूनिवर्सिटी का नाम डाल के जैसे ही सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करूं और जैसे ही सर्च बॉक्स पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहां पे मिल जाएगी, जैसा कि आप यहां पे देख भी पा रहे हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां से जाके आप पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। तो ऐसे में यह व्यवस्था भी नहीं बन पाएगी कि बच्चों को, स्कूली बच्चों को बुला लिया जाए, तो इसलिए ये देखा गया कि उन्होंने कहा कि स्कूल की तारीख जो है संभावित अभी तक नहीं है, 1 तारीख संभावित तारीख इसलिए रखी गई थी ताकि तैयारी की जा सके। लेकिन आज की स्थिति को देखकर यही लग रहा है कि स्कूल नहीं खुल पाएंगे, अपनी निर्धारित तिथि है इसलिए एकेडमिक कैलेंडर बढ़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह बताई कि जो सिलेबस है वो सिलेबस में कटौती की जा सकती है, क्योंकि सिलेबस निश्चित रूप से अगर पढ़ाई नहीं होगी जो है, अगर 1 महीने भी अगर एकेडमिक कैलेंडर बढ़ जाते हैं तो फिर वो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं सभी सब्जेक्ट के वही पढ़ाए जाएंगे और सिलेबस में कटौती होगी। तो निश्चित रूप से यह बड़ा बयान है और आने वाले दिनों में अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरीके से स्कूलों को खोल रही है। सौरभ, सौरभ एक तकनीकी सवाल यह है कि सीबीएसई से संबंधित जितने भी लोग हैं वो सवाल करते हैं बार बार कि उनको किस तरह के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने को, क्योंकि सीबीएसई का अपना एक पैटर्न होता है, उस उन्हें कितना लागू होगा, ये जो शिक्षा मंत्री जो बयान दे रहे हैं उन पर कितना लागू होगा ये? बिल्कुल, देखिए सीबीएसई दरअसल अलग है और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो अपना एजुकेशन है वो अलग है। सीबीएसई को लेकर जो कल एक बयान आया है उसके तहत तो ये है कि सितंबर में स्कूल खुलेंगे, एक आधिकारिक बयान आया है तो उनके अनुसार सितंबर में स्कूल खुलेंगे। और उसके अलावा अभी तक एग्जाम भी कुछ सब्जेक्ट के नहीं हुए हैं सीबीएसई में, तो वो एग्जाम भी होने वाले हैं, उसकी तारीख भी जो है तय कर दी गई है बोर्ड द्वारा। लेकिन जो अपना छत्तीसगढ़ जो स्कूल शिक्षा सत्र है उनकी अपनी अलग तैयारी रहती है, सीबीएसई की अलग तैयारी है। हालांकि छत्तीसगढ़ में 400 से ज्यादा जो ऐसे कल टीचर हैं जिनको सीबीएसई स्कूल जो पैटर्न पे खोला जा रहा है छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में, वहां पर पढ़ाए जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ में जो स्कूल खुलने की तारीख है वो कब तय होती है, लेकिन अभी फिलहाल ये जो यही है जुलाई 1 जुलाई को स्कूल का शिक्षा सत्र आगे बढ़ेगा। ये बयान अहम, काफी बड़ा बयान यहाँ पर शिक्षा मंत्री का सामना है, इससे खास तौर पर बच्चों की पढ़ाई जो प्रभावित होगी। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।